और अब खबरें विस्तार से। संस्थापक दिवस के मौके पर संस्थापक को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का तांता जारी रहा। हर आम और खास ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया। संस्थापक दिवस कार्यक्रम में इस वर्ष खास बात ये रही कि टाटा संस के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन खुद मौजूद थे। उनके अलावा 6 वर्षों के अंतराल के बाद पूर्व चेयरमैन रतन टाटा भी तशरीफ लाए। इतना ही नहीं, टाटा संस के बोर्ड के सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के 178वें जन्मोत्सव पर डॉक्टर जे ईरानी से लेकर सभी पूर्व एवं वर्तमान अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। उनके अलावा टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष व अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर टाटा स्टील और उसकी अनुसंगी इकाइयों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। इनमें TRF, टाटा पिगमेंट, टाटा टेली सर्विसेस, टाटा ब्लू स्कोप, ISWP, जिस्को आदि प्रमुख हैं। We have Mr. Rajiv Kumar, Vice President Operations, and Mr. R. R. Shah, Vice President Engineering. Dr. T. Mukherjee. Sunita Mehrotra. Sanjeev Kumar Chaudhary.
Mr. B. K. Dhillon, and I look forward to hearing about the progress that Jamshedpur and Tata Steel make under Chandra's leadership. I'd like to now ask Chandra to address the gathering. I'm going to go only the last, I would say, 36 hours, and this is my second visit. But I can feel the enthusiasm, energy of the people, as well as the original inspiration with which the founder had dreamt of a city, being alive today and making phenomenal progress in terms of adapting to the modern times, whether it is the initiatives around digital or smart city, as well as the togetherness of the community and the industry. I think this is probably the finest example anywhere in the world one could see. For me, it's a very inspirational moment. I take a lot of inspiration from the people of Jamshedpur, from Tata Steel, from the founder, the things I saw here, the archives, the COE, and many other things. And I am very grateful for the opportunity for the Tata Guru and Mr. Ratan Tata. And I look forward to being here more and being with you all more and getting integrated into. बिष्टुपुर पोस्टल पार्क में भी आयोजित संस्थापक दिवस कार्यक्रम में रतन टाटा ने झांकियों को झंडा दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर चेयरमैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पोस्टल पार्क में भी संस्थापक दिवस समारोह में चेयरमैन सहित सभी पदाधिकारी पहुंचे। आप थोड़ा इधर आइए ना, इधर आइए, साइड आइए, उनको साइड आइए ना। चल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किनार भरती क्या किनार भरती విశ్వనాథ కృష్ణ కాపి శ్రీ శ్రీ మంజూరి ఆద్య కళా శోభిత अभी तक तो ठीक है।
देखा लेडीज को गिरी कैसे वहाँ पे अंदर में झगड़ा किसका हो रहा था बॉस हम लोग लड़की वाला था पाटे सर से मिलने के लिए दौड़ा कौन था संस्थापक दिवस के मौके पर शहर में कई स्थानों पर लोगों ने संस्थापक जेएन टाटा को याद किया और कृतज्ञता जाहिर की। संस्थापक दिवस के मौके पर बिष्टुपुर स्थित गैरेज गांव में झारखंड मजदूर गैरेज यूनियन द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा, पूरा चेहरा में आ जाएगा पहले। नहीं 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 उसको पहले काट दिया, बोला उठी पकड़े तो हमको लगा छोटा होगा। पहले ताले मारिए। जमशेदपुर लॉ नगरी में शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव की ओर से जमशेद जी नसलवान जी टाटा का 178वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मजदूरों के मसीहा, गरीबों के मसीहा जाने जाने माने जाने वाले जमशेद जी टाटा जे एन टाटा का आज जन्मदिन झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन के द्वारा मनाया जा रहा है। और ये जो गैरेज यूनियन और यहाँ जो गैरेज कर्मी सभी है और यहाँ जो गैरेज के लिए आज टाटा स्टील द्वारा ही आवंटित यहाँ गैरेज कर्मियों को जगह दी गई, जिसके
स्वरूप सारे मजदूर यहाँ अपने कमा खा रहे हैं, रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सब मिलकर मजदूर के मसीहा जे एन टाटा का जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धतकीडी स्थित झंडा चौक पर मुखी समाज द्वारा संस्थापक दिवस मनाया गया। जे एन टाटा के 178वें जन्मोत्सव पर केक काट कर खुशी मनाई गई। आप थोड़ा खाइए। अरे बाप, इतना बड़ा। चलिए रुके 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 नेताजी रुके। ऑल झारखंड मुखी समाज के झारखंड प्रदेश शाखा धतकीडी हरिजन बस्ती अंबेडकर मैदान झंडा चौक में जमशेदपुर नौसरवान जी टाटा का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब लोग बस्तीवासी मिलकर उनका जन्मदिन को मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग केक काट कर उसके बाद उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित दिए, और खास करके जो हम लोग के समाज के लोग हैं, जो मुखी समाज के लोग हैं, उनका ऋणी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जुम्मे की नमाज के बाद पोस्टल पार्क में अवस्थित संस्थापक जे एन टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और अमन शांति की दुआ की। जमशेद जी नौशेरवा जी टाटा की जो बरसी हर साल मनाई जाती है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आए। आज जुमा की नमाज पढ़ने के बाद, क्योंकि जुमा का दिन था इसलिए हम लोग सवेरे नहीं आ सके, इसलिए जुमा की नमाज के बाद सारे मुस्लिम संगठन के जो नुमाइंदे लोग हैं वो नुमाइंदे इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। इसलिए कि हमारा ये यकीन है कि टाटा स्टील पूरे देश की शान है, एशिया की शान है, और टाटा स्टील की तरक्की से ही ये शहर जो है पूरा जगमगा रहा है, चमक रहा है। हम लोग की यही दुआ है कि इसका हुस्न हमेशा चमकता रहे। इसके लिए हम लोग आए और यह टाटा स्टील तरक्की करे, इसके लिए हम लोग हमेशा दुआ करते हैं। और हम लोग यहाँ जो है बहुत सारे संगठन, जैसे जमशेदपुर से रूहानी मरकज़, शहदाय करबला कमेटी, अंजुमन बहारे इस्लाम, अकलियती मुत्तहदा महाज, माइटी यूनाइटेड फ्रंट, इन तमाम के नुमाइंदे यहाँ हैं। पिछले दिनों सोनारी में हुए गोली चालन की घटना में संलिप्त दो युवकों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों सोनारी खूंटाडीह क्षेत्र में शंभू सरकार नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चालन की घटना हुई थी। छानबीन के क्रम में पुलिस ने संतोष ठाकुर उर्फ टकला तथा राजकुमार सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सिटी एसपी प्रशांत आनंद ने उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। स्वीकार किया है जो इस दोनों ही कांडों में प्रयुक्त हथियार है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। कांड का कारण यह है कि अशोक कुमार सिंह और राघव से इस कांड के अभियुक्तों की दुश्मनी थी। इसमें इनके बीच में किसी बात को लड़ाई हुई थी जिसको लेकर के रंजिश हो गया था, उसी का बदला लेने के क्रम में ये कांड किया गया है। आरोपी का पहले भी जेल जा चुका है दोन, इसमें जो आरोपी है नहीं, वो पहले उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। हम लोग ऐसे अभी और चेक करवा के देखते हैं कि लोग इनका और किस मामले में इनकी भूमिका हो सकती है। और इसमें जो अभियुक्त है, दोनों ही अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि पहला जो कांड है वो निजी दुश्मनी के कारण किया, और दूसरा कांड पहला कांड क्योंकि कर लिया था उसके बाद कुछ और अपराधी जो इस उनको उनके उकसावे में या उनकी दुश्मनी के कारण ये कांड कारित किया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे जमशेदपुर की कुछ और अहम खबरों को लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ।